आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स ऑफ आईबीएम 360, दैट इज आईबीएम 360 मशीन के हम क्या देखेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आईबीएम 360 का मशीन स्ट्रक्चर देखा था, आज हम देखेंगे उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मशीन में किस फॉर्म में दिए जाते हैं, ओके। तो अब आईबीएम 360 के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं वो ये होते हैं, देखो फर्स्ट होता है आरआर फॉर्मेट, आरएक्स फॉर्मेट, देन आरएस फॉर्मेट, और ये थर्ड वन इज एसआई फॉर्मेट, और ये जो लास्ट होता है ये क्या होता है, एसएस फॉर्मेट। अब इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में विद एग्जांपल समझ, हर एक इंस्ट्रक्शन में देखो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम जो भी फॉर्मेट देखें उसमें ऑपरेशन ऑपरेशन कोड यहां पर होगा, ऑपरेशन कोड तो होना ही, ऑप कोड जिसे हम बोलते हैं, तो ऑप कोड तो हर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होना ही है, ओके। चाहे वो कोई सा भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो उसमें ऑप कोड दैट इज ऑपरेशन तो हमें स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये ओपी मीन्स क्या है, ऑप कोड, यहां पर हमें ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसका क्या देना है, कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। अब बात आती है ऑपरेंड्स की, तो हम ऑपरेंड्स किस वे में दे सकते हैं, यही इन फॉर्मेट्स में बताया गया है। देखो ऑपरेशन तो कॉमन है ही, देना ही है, अब हम ऑपरेंड्स किस वे में दे सकते हैं वही यहां पे बताया गया है। तो फर्स्ट फॉर्मेट है वो क्या है कि हमारे जो दो ऑपरेंड्स रहेंगे वो कहां पे रहेंगे, हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स में रहेंगे। जनरल पर्पस रजिस्टर्स दैट इज, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मशीन 360 में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, R0 से लेकर R15 तक क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इनकी साइज क्या होती है, 32 बिट, ये क्या होती है इनकी। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे दोनों ऑपरेंड्स हैं वो कहां है, हमारे रजिस्टर्स में, यहाँ पे R1 और R2, जस्ट मैंने ऐसे कन्वेंशन के लिए लिखा, ऐसा नहीं कि हमारा फर्स्ट ऑपरेंड किस में है, रजिस्टर R1 में है, और सेकेंड ऑपरेंड किस में है, रजिस्टर R2 के अंदर है, ठीक है। अब यहां पर हमेशा एक जो चीज हमें कॉमनली यहां पे ध्यान रखनी, देखो इसकी जो साइज है ये क्या है, 2 बाइट्स है, और हमेशा एक बाइट जो होती है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक बाइट, किसके लिए एक बाइट, दैट इज 8 बिट्स, 0 से लेकर 7 तक सभी में जो फर्स्ट बिट है वो किसके लिए है, ऑप कोड के लिए है। तो देखो ये फर्स्ट बिट तो किसके लिए हो गई, ऑप कोड के लिए हो गई, फिर आती है फर्स्ट बाइट किसके लिए हो गई, ऑप कोड के लिए हो गई, 0 से लेकर 7 तक एक बाइट किसके लिए हो गई, ऑप कोड के लिए हो गई, यही सभी के लिए है, सभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। अब बची क्या है, हमारी सेकंड बाइट। अब देखो क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्स कितने हैं, टोटल 16 है, 16 0 से लेकर 15, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैक्सिमम 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो कुल मिला के 0 से लेकर 15 तक हमें रजिस्टर्स रिप्रेजेंट करने हैं, रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 4 बिट्स की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो 4 बिट्स, 8 से लेकर कहां तक, 8, 9, 10, 11, 8 से लेकर 11 तक ये 4 बिट्स फर्स्ट रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, और फिर 12 से लेकर 15 तक ये 4 बिट्स सेकंड रजिस्टर को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये देखो ये लॉजिक आपको समझना है, क्या है कि हमेशा ऑप कोड के लिए एक बाइट की जरूरत रहेगी, और फर्स्ट बाइट सभी फॉर्मेट्स में किसके लिए है, ऑप कोड के लिए है। अब बात सिर्फ क्या आती है कि हमारे जो हम ऑपरेंड्स हैं किस वे में शो कर रहे हैं, कहां पे हमारे ऑपरेंड्स हैं, तो हमारे आर फॉर्मेट में हमारे दोनों ऑपरेंड्स कहां पर पड़े हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में। एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की जरूरत है, तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए 4 बिट्स एंड सेकंड रजिस्टर के लिए अगेन 4 बिट्स। इसका हम देखते हैं एक एग्जांपल, अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने बताया था ये क्या है, आर फॉर्मेट है। अब सपोज हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कुछ ये दिया हुआ है, ये बाइनरी फॉर्म में है, बाद में हम क्या असेंबली लैंग्वेज मतलब निमोनिक्स फॉर्म में भी हम इस चीज को देखेंगे। तो यहां पर देखो हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 7 तक, ये 8 बिट किसके लिए है, ऑप के लिए, ऑप कोड के लिए है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, 1A, इसका मतलब क्या है, एड रजिस्टर। इस जो इस ऑप कोड का मीनिंग है वो क्या है, एड रजिस्टर क्या है, आगे हम देखते हैं। अब यहां पर फर्स्ट रजिस्टर क्या है, 0011, मतलब हमारा फर्स्ट वाला जो ऑपरेंड है वो कौन से वाले रजिस्टर में पड़ा हुआ है, थर्ड रजिस्टर में। 0011 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 3 होता है, और हमारा जो सेकेंड वाला ऑपरेंड है वो कहां पर है, 0100, दैट इज 4
फोर्थ रजिस्टर में पड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, रजिस्टर थ्री के कंटेंट्स, रजिस्टर थ्री के जो भी कंटेंट्स आते हैं उसमें हमें क्या करना है, रजिस्टर फोर के कंटेंट्स को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहां पे हमारा ऑप कोड क्या है, 1A, दैट इज ऐड रजिस्टर। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर थ्री और रजिस्टर फोर के कंटेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है, और रिजल्ट वापस किसके अंदर आएगा, रजिस्टर थ्री के अंदर ही आएगा। तो ये क्या है, हमारा आर आर फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद क्या आते हैं, हमारे दूसरे फॉर्मेट्स आते हैं। अब दूसरे फॉर्मेट्स में जो हमारा एक ऑपरेंड रहेगा, एक या हो सकता है दो भी, वो कहां पर है, मेमोरी के अंदर है। कहां पर है, मेमोरी के अंदर है, मेमोरी दैट इज प्राइमरी मेमोरी के अंदर है। क्योंकि देखो सभी के सभी ऑपरेंड्स कहां पर हो, रजिस्टर्स के अंदर हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब जो हम देखेंगे उनमें जो हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड ऑपरेंड, या हो सकता है दोनों के दोनों ऑपरेंड्स कहां पर हो, हमारे मेन मेमोरी या जिसे हम कोर बोलते हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस एड्रेस पे वो ऑपरेंड है। तो अब यहां पर एक बात ये आती है कि हम सीधे से क्यों नहीं उसका एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ बेस, डिस्प्लेसमेंट, इंडेक्स, ये कुछ चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन पहले ये बात आती है कि हमें सीधे से क्यों नहीं बता रखा है कि मेमोरी की इस वाली लोकेशन पे हमारा जो है ऑपरेंड पड़ा हुआ है, या इस वाली लोकेशन पे हमारा ऑपरेंड पड़ा हुआ है, सीधे से क्यों नहीं बता रहे हैं। तो देखो पहला जो इसका रीजन क्या है कि सपोज, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मान लिया कि हमारी जो मेमोरी की साइज है वो क्या है, 4 है, 1 2 3 4, दैट इज इसमें क्या है, 4 लोकेशंस हैं। अब उन लोकेशंस की साइज कितनी भी हो सकती है, वैसे आईबीएम 360 की साइज क्या होती है, 1 byte होती है। तो अब हम क्या मान लेते हैं कि इसकी जो साइज है वो क्या है, 4 लोकेशंस हैं, 4 locations, दैट इज 0001101। तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 bits की जरूरत पड़ेगी इनका एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए। यही अगर साइज जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, 8 हो जाती है, मतलब लोकेशंस हैं हमारी कितनी है, 8 locations हैं। तो 8 locations के लिए मुझे कितनी की जरूरत पड़ेगी, 3 bits की जरूरत पड़ेगी। यही अगर हमारी 16 locations हैं तो 16 locations के लिए मुझे 4 bits की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो देखो मैं कितनी छोटी छोटी साइज ले रही हूँ, इतनी छोटी साइज की थोड़ी ना हमारी मेमोरी होती है। यही अगर साइज 32 होती है तो 2^5। इसी तरह से अगर हमारी साइज जो है वो बढ़ती जाती हो, साइज तो बहुत ज्यादा होती है मेन मेमोरी की, तो उतनी ही हमारी ये जो बिट्स की साइज है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस, तो उस जो बिट्स की साइज है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो उतनी ही बिट्स हमें किस में बतानी पड़ेंगी, हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। ओके, बहुत ज्यादा साइज है तो हो सकता है हमें 24 bits की, मतलब अगर हमारी मेमोरी की साइज क्या है, 2^24 है, तो मुझे 24 bits की जरूरत पड़ेगी किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे इंस्ट्रक्शन में 24 bits तो मुझे किसके लिए चाहिएंगी, उस एड्रेस के लिए, ऑपरेंड, एक ऑपरेंड के एड्रेस के लिए ही चाहिएंगी। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि एक जो होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस और एक जो होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस दैट इज अगर हम जो प्रोग्राम इनिशियली टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड सो ऑन। तो लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, नॉर्मली 0 से स्टार्ट होता है, 3 4 5, ये हमारा लॉजिकल व्यू है, ठीक है। और लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जब ये एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा सीपीयू के पास, एग्जीक्यूशन के लिए जब ये जाएगा, मतलब ये जब हमारी मेन मेमोरी के अंदर लोड होगा, तो उसको ये 0th लोकेशन फ्री मिल जाए इसको लोड होने के लिए, क्योंकि इसका लोड होना जरूरी है मेन मेमोरी के अंदर, फिर ही एग्जीक्यूट होगा। तो उसको हो सकता है कि कोई और लोकेशन मिले, क्योंकि यहां पर तो सीपीयू की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पड़ी होंगी 0th लोकेशन से किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक। मान लिया कि 0th लोकेशन से 50th लोकेशन जो है वो फ्री नहीं है, हमारे इस प्रोग्राम को जो जगह मिली है वो कहां से मिली है, 51st लोकेशन से मिली है। दैट इज अब ये हमारा प्रोग्राम कहां पे लोड होगा, 51st लोकेशन से जाके स्टोर या लोड होने वाला है, ठीक है। सीपीयू इसको कहां से उठाएगा, इस 51st लोकेशन से जाके उठाने वाला है। ओके, तो अब जिस एड्रेस को मैं 0 बोल दी थी, अब वो कहां पे आ गया है, 51 पे। जिसको मैं 1 बोल दी थी, वो अब कहां पे आ गया है, 52 पे। जिसको मैं 2 बोल दी थी, जिस लाइन को, वो कहां आ गई, 53 पे, एंड सो ऑन। इसका मतलब हमारा बेस क्या हो गया है, 50
51 हो गया है। क्या हो गया हमारा बेस 51 हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक बेस रजिस्टर चाहिए जिसमें ये रखा रहेगा कि हमारा जो प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है ये कहां पर होगी। एब्सोल्यूट एड्रेस जो है, जिसे हम एब्सोल्यूट एड्रेस बोलेंगे, वो मेन मेमोरी या कोर के अंदर कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, सपोज मुझे इस वाले डेटा का एड्रेस चाहिए, मेरे लिए वो 3 है, लेकिन सीपीयू के लिए वो क्या हो जाएगा, मतलब अब मेन मेमोरी में वो कहां पर है, 51 प्लस 3 दैट इज कहां पर है, 54th लोकेशन पर वो चीज है। तो ये जो चीज है जिसे मैं 51 बोल रही हूं वो क्या है, मेरा बेस एड्रेस है। ठीक है, तो ये जो बेस एड्रेस है वो कहां पर रहता है, बेस रजिस्टर के अंदर रहता है। बेस रजिस्टर का कंसेप्ट क्लियर। ओके, इसके बाद में अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे 24 बिट्स की जरूरत ना पड़े, 24 बिट्स की, इसीलिए हम क्या रखते हैं, एड्रेस को हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे, बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर, इन तीनों का सम करके मुझे क्या मिलने वाला है, बेस रजिस्टर के सॉरी कंटेंट्स प्लस इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों को ऐड करके मुझे क्या मिलने वाला है, वो एब्सोल्यूट एड्रेस मिलने वाला है। तो बेस एड्रेस तो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लिया हमें कोई बड़ा सा अरे प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस करना है, ये बड़ा सा अरे या कोई वेक्टर या कुछ ऐसी चीज है जिसको कंटीजस मेमोरी एलोकेशन मिल चुका है, ये है उसकी जीरोथ लोकेशन, ये है उसकी फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, इसी तरह से ये 200 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मुझे इसका बेस एड्रेस पता है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो इंडेक्स है दैट इज इंडेक्स क्या है 200, तो इसकी लोकेशन को मैं इजीली इसमें 200 को प्लस करके फाइंड कर सकती हूं। तो ये जो चीज है ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक इंडेक्स रजिस्टर चाहिएगा। देन आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारा ये था 0, 0 तक हमें पता चल गया, अब मुझे, मैंने इस प्रोग्राम में कुछ लिख रखा है कि मुझे कहां पे जाना है, जंप करना है, या मुझे कहां पर जाना है, लाइन नंबर 10 पर जाना है। तो इसका मतलब क्या है, किसके रिस्पेक्ट में 10, इसके रिस्पेक्ट में, इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में 10, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, ऑफसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑफसेट बोला जाता है। तो अब मेरा जो एड्रेस निकला है उसी में मैं अगर 10 प्लस कर दूं तो मुझे वो वाली लोकेशन मिल जाएगी। या हम बोले कि मुझे क्या, एक बार बेस एड्रेस पता चल गया, अब मुझे किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, मुझे कहां जाना है, 70 वाली लाइन पे जाना है, तो मैं क्या कर दूं, उस बेस एड्रेस में उस डिस्प्लेसमेंट दैट इज उस 70 को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। ये जो चीज है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं कौन सी लाइन पे पहुंच जाऊंगी, मेरे लिए 70, लेकिन सीपीयू में वो चीज कहां पर पड़ी हुई है, 51 प्लस 70, क्योंकि 51 क्या है, मेरा बेस एड्रेस है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अभी हम और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब ये मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी, अब हम इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखते हैं, जो कि क्या है, RX फॉर्मेट है, जिसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, 4 बाइट्स होती है, 0 to 31, जिसमें ये चीज क्लियर है कि फर्स्ट बाइट किसके लिए होती है, हमेशा ऑपरेंड के लिए होती है, ऑपकोड के लिए होती है। ठीक है, इसके बाद में मेरा जो एक फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो कहां पे है, मेरा जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, रजिस्टर के अंदर है। रजिस्टर के लिए फिर मुझे क्या चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। कितनी चाहिए, 4 बिट्स चाहिए, दैट इज 8 से लेकर 11 तक 4 बिट्स किसके लिए हो गई, एक रजिस्टर के लिए हो गई। अब मेरे पास ये 12 से लेकर 31 लोकेशंस फ्री हैं, एक बाइट तो ये और 4 बिट्स इसकी बची हैं। तो अब ये चीजें कहां पर जाएंगी, तो अब हम देखते हैं आरएक्स को। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि देखो 0 से लेकर 7 तक ये किसके लिए है, ऑपकोड के लिए है। देन मेरा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो किसके अंदर है, रजिस्टर के अंदर ही है, तो ये मुझे फर्स्ट ऑपरेंड प्रोवाइड कर देगा। कहां से कहां तक, 8 से लेकर 11 तक। देन 12 से लेकर कहां तक, 12, 13, 14, 15, ये 15 तक, ये जो है मेरा दूसरा रजिस्टर है, क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देन 16, 17, 18, 19, तो 16 से लेकर 19 तक ये बेस रजिस्टर, एंड 20 से लेकर क्या बचा, 31, यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा, तो देखो अब इसके जो यहां पर देखो RI, दैट इज ये R1, 2 जो कुछ भी हो, ठीक है,
कंटेंट्स ऑफ जनरल रजिस्टर यूज्ड एज ऑपरेंड, मतलब इस जनरल रजिस्टर के कंटेंट्स, ओके कौन से रजिस्टर ये भी हम देखते हैं। देन एक्स आई कंटेंट्स ऑफ जनरल रजिस्टर यूज्ड एज इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्स आई यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, एक्स टू लिख रखा है, क्योंकि यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इंडेक्स रजिस्टर एक्स आई इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट्स किसमें पड़े हैं, इस रजिस्टर के अंदर पड़े हुए हैं, किसके अंदर, इसके अंदर। अभी ये चीज इसको मैं बाद में क्लियर करती हूं, मतलब यहां पर जो मैंने रजिस्टर नंबर दिया है उसके अंदर मेरे क्या है, इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट्स हैं, यहां पर मैंने जो नंबर दिया है उसके अंदर मेरे क्या है, बेस रजिस्टर के कंटेंट्स हैं, और यहां पर मैंने कोई रजिस्टर नहीं दिया है, यहां पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे बेस मिल गया तो मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करना है तो मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ओके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना है मेरे प्रोग्राम के अंदर, मुझे 100th लाइन में जाना है, तो वो जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम यहां पर आते हैं, एक ही एग्जांपल है। अब अगर मुझे एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है तो यहां पर मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एड्रेस अगर कैलकुलेट करना है तो। अब यहां पर देखो मुझे क्या दे रखा है, ऑप कोड ये दे रखा है, इसका अगर इसका जो मीनिंग है वो क्या है, मतलब एड फ्रॉम रजिस्टर, एड फ्रॉम स्टोरेज टू रजिस्टर, मतलब पहले मुझे क्या निकालना है, मेमोरी का एड्रेस निकालना है, दैट इज स्टोरेज, उसके कंटेंट्स को मुझे क्या करना है, उस एड्रेस के कंटेंट्स को मुझे रजिस्टर में एड कर देना है, ओके। तो अब हम कहां पे आते हैं, यहां पर आते हैं, और इसको अगर हम लिखना चाहें किस में, हेक्साडेसिमल में, तो ये क्या है 5 है, और ये जो चीजें 1010 दैट इज 10 मतलब ए है, तो इसका मीनिंग क्या है, एड फ्रॉम स्टोरेज टू रजिस्टर। ऑपरेंड देख लिया हमने क्या है, अब हमें मेन इस पे फोकस करना है, आर वन मतलब हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, ऑपरेंड वन कहां पर पड़ा है हमारा, 0011, 0011 का मतलब क्या है 3, दैट इज रजिस्टर 3, तो मुझे क्या लेने हैं, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 3 लेने हैं, ठीक है, तो रजिस्टर 3 में मेरा क्या आपका आप क्या पड़ा है, ऑपरेंड 1 पड़ा है। बेस, बेस मेरा क्या है 0101, दैट इज मेरा जो बेस रजिस्टर है वो क्या है 0101, दैट इज रजिस्टर नंबर 5, तो रजिस्टर नंबर 5 में मेरा क्या पड़ा हुआ है, बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, बेस एड्रेस है, ठीक है, रजिस्टर नंबर 5 में बेस एड्रेस है, दैट इज की हमारा एब्सोल्यूट जो लोकेशन है या मेरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो हुआ बेस एड्रेस, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये जो चीजें इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू यहां पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे आल 0 के अंदर क्या है, इंडेक्स के, इंडेक्स एड्रेस के कंटेंट्स है या इंडेक्स है, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, देखो अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है, हमें इंडेक्स को इस एड्रेस के अंदर कैलकुलेट काउंट नहीं करना है, इसलिए आर 0 रजिस्टर को कभी भी इस एड्रेसिंग में नहीं यूज किया जाता है, बेस और इंडेक्स के लिए नहीं यूज किया जाता है, बिकॉज 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें इस चीज को नहीं कंसिडर करना है, मतलब यहां पे इंडेक्स जो है वो क्या है 0 मतलब नहीं लेना है हमें, ओके। इसके बाद में बेस हमें मिल गया कि हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, R5, अब R5 के जो कंटेंट्स हैं, मतलब R5 रजिस्टर के अंदर हम क्या मान लेते हैं कि 1000 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है 1000 पड़ा हुआ है, तो हमारा जो बेस एड्रेस है वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमें कितना करना है, इतना करना है, ये वैल्यू दे रखिए ना कि ये रजिस्टर का नंबर है, तो इस 0, 1, 2, 3, 4, 2^4 कितना होता है 16 होता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 16 का डिस्प्लेसमेंट करना है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर हमारा क्या है R5 है, तो कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर क्या हो जाएगा 1000। फिर क्या आता है, कंटेंट्स ऑफ XI दैट इज इंडेक्स रजिस्टर, अब यहां पर जो XI की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या रखना है 0 ही रखना है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, अभी मैंने उसके लिए बताया था रीजन। D की वैल्यू क्या है 16 है, तो हमने 16 प्लस किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया 1016 आया, दैट इज हमारा एड्रेस क्या निकला है 1016, मतलब हमारा सेकेंड ऑपरेंड कहां पर पड़ा हुआ है 1016 पे, तो हम जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को क्या बोलेंगे कि हमें एक ऑपरेंड चाहिए कहां से 1016 लोकेशन से, हमें एक ऑपरेंड चाहिए, सेकेंड ऑपरेंड मिल गया हमारा,
फर्स्ट ऑपरेंड हमारा कहां पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा हुआ है रजिस्टर नंबर 3 में, तो हम उसके किसके कंटेंट्स, इस 1016 वाली जो भी लोकेशन है उसके कंटेंट्स को R3 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और R3 में ही क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में देखें, इसी इंस्ट्रक्शन को नहीं, किसी और इंस्ट्रक्शन को हम किस में देखते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल नंबर को कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है, 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है। कितनी बिट्स की, 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है। 4 + 4 कितनी हो गई, 8 बिट्स, दैट इज ये बन गई हमारी फर्स्ट बाइट। क्या बन गई हमारी फर्स्ट बाइट, फिर हमारी ये 4 बिट्स, फिर ये हमारी वापस से 4 बिट्स। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, दैट इज हमारा जो रजिस्टर है वो। यहां तक हमें क्या पता चल गया कि हमारा कौन है ऑपरेंड, कौन सा है? मतलब हमारा ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेटर क्या है, 5B, दैट इज उसका मीनिंग होता है सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ओके, फिर यहां पर बाकी की 4 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट ऑपरेंड, तो यहां पर क्या दे रखा है, 3, यहां पर क्या दे रखा है, 3, मतलब हमारे रजिस्टर नंबर 3 में क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड है। फिर इसके बाद क्या आता है, इंडेक्स रजिस्टर, क्या आता है हमारा इंडेक्स रजिस्टर, तो हमारा इंडेक्स रजिस्टर क्या है, 5 है, मतलब रजिस्टर नंबर 5 में हमारा क्या पड़ा है, इंडेक्स पड़ा है। फिर क्या आता है, बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर हमारा क्या है, सी, इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर नंबर सी में, रजिस्टर नंबर सी में हमारा क्या है, बेस एड्रेस है। ओके, इसके बाद में बाकी की हमें कितनी बिट्स चाहिए, 12 बिट्स, तो 4 4 4, तो ये 12 बिट्स किसके लिए चाहिए होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 24 का हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। तो सपोज हमारे इंडेक्स रजिस्टर के जो अंदर कंटेंट्स है वो क्या है, 100 है, बेस रजिस्टर दैट इज रजिस्टर नंबर सी, सी वाले रजिस्टर के अंदर जो हमारे कंटेंट्स है वो क्या है, 7000 है, और हमें डिस्प्लेसमेंट किसका करना है, 24 का, तो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस आएगा वो क्या आ जाएगा, 7124, मतलब 7124 वाली लोकेशन से पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड ऑपरेंड मिलेगा, फर्स्ट ऑपरेंड रजिस्टर 3 पे मिलेगा, उन्हें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हुआ हमारा RX फॉर्मेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। अब आता है हमारा RS फॉर्मेट, जो कि मैंने बताया आपको 4 बाइट्स का होता है। ऑप कोड हमेशा की तरह फर्स्ट बाइट होती है ऑपरेंड के लिए। अब यहां पे हमने 2 रजिस्टर्स बताए हैं, 2 रजिस्टर, अब इनका मीनिंग क्या है अभी हम देखते हैं। तो ये जो मिल जाएगा, देखो ये मिलेगा हमें हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, क्या मिलेगा हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड जैसा कि हमारा कहां पर है स्टोरेज, दैट इज की कहां पर है मेमोरी के अंदर है। अब इस रजिस्टर का क्या रोल है अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। ठीक है, तो देखो ये हो गई हमारी 1 बाइट, ये इन दोनों से मिलके हमारी कितनी हो गई, सेकेंड बाइट हो गई, और यहां से लेकर यहां तक हमारी क्या हो गई, 2 बाइट्स हो गई। क्या हो गई हमारी, ये 2 बाइट्स, तो कितनी हो गई हमारी, देखो ये हमारी सेकेंड बाइट है ना कि 2 बाइट्स हैं, तो फर्स्ट सेकेंड 2 बाइट्स ये हो गई, और 2 बाइट्स क्या हो गई हमारी, ये तो 4 बाइट्स का ये होता है। अब इसका हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो 9 8, तो ये जो 4 + 4 ये क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारा ओपकोड, क्या रिप्रेजेंट करती है, ओपकोड, जिसका मतलब क्या है, लोड मल्टीपल, ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट जो रजिस्टर है वो क्या है, R6, ये क्या है, रजिस्टर नंबर 6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर नंबर 6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर नंबर 8। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस, मतलब हमारा बेस एड्रेस किसके अंदर है, बेस एड्रेस इज इन रजिस्टर नंबर सी, रजिस्टर नंबर सी। सी का मतलब क्या होता है, देखो ए मतलब 10, बी मतलब सॉरी 11 मतलब बी, और फिर 12 मतलब सी, तो रजिस्टर नंबर 12 के अंदर क्या है, हमारा बेस एड्रेस है, मतलब रजिस्टर नंबर 12 में क्या है, हमारा बेस एड्रेस है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 024। ओके, हम मान लेते हैं रजिस्टर नंबर 12 के जो कंटेंट है वो क्या है, 7000 है। ओके, यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर नहीं है, तो हमारा एड्रेस क्या आ जाएगा, 7024, ये क्या आ जाएगा, हमारा एड्रेस आ जाएगा।
अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये दो रजिस्टर्स क्यों दिए हुए, तो इसका मीनिंग क्या है, रजिस्टर्स नंबर 6 to 8, ना कि ओनली 6 और 8, रजिस्टर नंबर 6 से लेकर रजिस्टर नंबर 8 तक, दैट इज 6, 7, 8 विल बी लोडेड फ्रॉम कंजिक्यूटिव लोकेशन ऑफ मेन स्टोरेज स्टार्टिंग एट एड्रेस. अब एड्रेस हमने क्या निकाला है, 7024. ठीक है, तो हमारा एक ऑपरेंड क्या आ गया, 7024 आ गया. तो हमें क्या करना है, रजिस्टर नंबर 6 से लेकर 8 तक हमें क्या करना है, विल बी लोडेड फ्रॉम के अंदर हमें कौन से कंटेंट्स डालने हैं, 7024 से स्टार्ट होने वाले कंटेंट्स हमें इसके अंदर क्या करने हैं, लोड करने हैं. ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे दो रजिस्टर्स का मतलब क्या है कि यहां से लेकर इस रजिस्टर से लेकर इस रजिस्टर तक, ठीक है, तो 6 से लेकर 8 तक टोटल 3 रजिस्टर्स विल बी लोडेड फ्रॉम कंसेक्यूटिव, क्योंकि यहां पर तो 3 रजिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब यहां तो है, ऐसा तो है नहीं कि यहां पे अब मैं मल्टीपल लोकेशन दे दूंगी कि भाई 6 रजिस्टर को यहां से लोड करना है, 7 को यहां से, एंड सो ऑन. तो यहां पर मैंने क्या दे दिया है, इनिशियल एक एड्रेस दे दिया है, दैट इज 7024. 7024 से मुझे लोड करना है, स्टार्ट करना है अब जहां तक भी वो लोड हो, और इन 3 रजिस्टर्स को मुझे क्या करना है, लोड करना है. लोडिंग यहां से लेकर इसके कंटेंट्स इनमें क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. स्टार्टिंग कहां से होगी, 7024 से होगी. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, आर एस फॉर्मेट हो गया. ओके, नेक्स्ट हम फॉर्मेट देखते हैं. अब एसआई फॉर्मेट में भी देखो, फर्स्ट बाइट तो ऑब्वियसली ऑपकोड के लिए रहेगी. ये क्या होता है हमारा, इमीडिएट ऑपरेंड होता है, मतलब ये होता है हमारा फर्स्ट ऑपरेंड जो कि इमीडिएट ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहां पर वैल्यू दी गई है. ओके, कोई एड्रेस, कोई रजिस्टर, कुछ नहीं बताया. और यहां पर क्या है, स्टोरेज ऑपरेंड है, फर्स्ट डायरेक्ट ऑपरेंड है, और सेकेंड ऑपरेंड अगेन का है मेमोरी में, जो कि बेस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके एड करके हमें मिलने वाला है. बेस डिस्प्लेसमेंट में आपको बताई चुकी हूं. अब ये देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या है, 92, मतलब यहां पर 92 4 बिट्स ही है, मतलब एक बाइट हमारी बन गई, 4 + 4 = 8 bits, दैट इज 1 byte बन गई. ये क्या है हमारा, ऑपकोड है, जो कि क्या बताता है, मूव इमीडिएट. ओके, यहां पर हमारा फिर अगेन यहां पर जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा ये जो इमीडिएट वाला जो फर्स्ट ऑपरेंड रहता है, उसकी साइज क्या रहती है, 8 से लेकर 15, दैट इज कितनी हो गई हमारी, टोटल 1 byte हो गई. तो ये 1 byte का मतलब 4 + 4, ये 1 byte का हमारा क्या हो गया है, हमारा फर्स्ट ऑपरेंड हो गया है. ठीक है, इसके बाद में अब इसका भी हम बाइनरी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है. फिर हमारा क्या आता है, ये होता है हमारा स्टोरेज ऑपरेंड, जिसमें से ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बेस रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिस ऐसा रजिस्टर जिसमें क्या होगा, हमारा बेस एड्रेस होगा. ओके, तो हमारा बेस एड्रेस किसके अंदर है, रजिस्टर नंबर सी के अंदर है. ओके, इसके बाद में सी मैंने आपको बताई दिया था क्या होता है, मतलब कि 12 रजिस्टर के अंदर है. ओके, फिर क्या आता है हमारा 231, ये क्या है, देखो 4 + 4 + 4, दैट इज 12 bit का हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट. तो 231 क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है. अब मैं अगेन मान लेती हूं कि हमारे रजिस्टर सी दैट इज 12 के अंदर क्या है, 7000 है. ओके, मतलब मेरा बेस एड्रेस क्या है, 7000 है, डिस्प्लेसमेंट 231, तो मेरा जो इफेक्टिव एड्रेस निकला वो क्या निकला, 7231 निकला. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा कोर के अंदर, मतलब हमारा जो एब्सोल्यूट एड्रेस है वो क्या है, 7231 पर हमारा क्या पड़ा है, ऑपरेंड पड़ा हुआ है. फिर हमें क्या करना है, मूव इमीडिएट, मूव इमीडिएट, और क्या मूव करना है, F3. इसका मतलब क्या है कि डेटा F3, डायरेक्टली ये वाला जो डेटा है ये किसके अंदर मूव हो जाएगा, हमारा 7231 लोकेशन के अंदर, लोकेशन स्टार्टिंग एड्रेस. ओके, ये क्या है, स्टोर्ड एट एड्रेस 7231, मतलब ये किसके अंदर मूव हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. ओके, तो ये क्या था हमारा, एस आई फॉर्मेट. ओके, लास्ट है हमारा SS फॉर्मेट. अब SS फॉर्मेट जो होता है वो कितनी बाइट्स का होता है, 4 bytes का होता है. ओके, ये होता है इसका सिंटैक्स होता है, ये तो ऑब्वियसली ऑपकोड, ये होती है लेंथ. लेंथ के लिए कितनी बिट्स की जरूरत पड़ रही है हमें, टोटल 8 bits की, दैट इज 1 byte की हमें लेंथ की जरूरत पड़ रही है. ये है हमारा स्टोरेज ऑपरेंड 1, ये है हमारा स्टोरेज ऑपरेंड 2, मतलब दोनों ही ऑपरेंड्स कहां पर है, स्टोरेज में है. ओके, मेन मेमोरी में है, इसीलिए इसका नाम क्या है, SS. और ये क्या है, लेंथ, इतना सा डिफरेंस है. एग्जाम्पल देखते हैं हम,
ये जो है ये क्या है ऑपकोड, जिसको ये मैंने कन्वर्ट किया डी टू, इसका मतलब मूव बाइट्स फ्रॉम ऑपरेंड वन टू ऑपरेंड टू। ऑपरेंड वन से हमें बाइट्स मूव करनी, यहां से हमें क्या मिलने वाला है ऑपरेंड वन मिलेगा इस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर हमें ऑपरेंड टू मिलेगा, तो यहां से मुझे बाइट्स मूव करनी है इस वाली लोकेशन पे। ओके कैसे, अभी हम आगे देखते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया ऑपरेंड क्या है, अब हम निकालते हैं सॉरी ऑपरेटर कौन सा है, अब हम निकालते हैं ऑपरेंड वन। कैसे निकालेंगे, पहले यहां पर क्या दे रखा है बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर कौन सा है फिफ्थ, ये क्या है 0101 दैट इज फिफ्थ। फिफ्थ रजिस्टर के हम कंटेंट्स क्या मान लेते हैं 1000 है, क्या है 1000 है। फिर क्या है डी वन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो 0 1 2 3 4 5 दैट इज 32। ओके तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 32, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 1032। तो फर्स्ट ऑपरेंड कहां पर पड़ा हुआ है 1032 लोकेशन पर है। सेकेंड वाला हम ऑपरेंड निकालते हैं ऑपरेंड टू, अगेन बेस रजिस्टर क्या है 5, इसके कंटेंट्स क्या है 1000 ही है, तो 1000 और उसमें डिस्प्लेसमेंट इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आने वाला है 300 आने वाला है, क्या आने वाला है 300 आने वाला है, तो इसमें हम 300 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1300। तो ये क्या मिल गया हमारा फर्स्ट ऑपरेंड कहां पर है 1032 पर, सेकेंड ऑपरेंड हमारा कहां है 1300 पर, ये पता चल गया। अब लेंथ इसका ये क्या दे रखी है हमें लेंथ 8 बिट्स के फॉर्म में, इसको हमने निकाला 79। अब जो हमारी वो जो लेंथ होती है ना वो क्या होती है L प्लस 1 होती है, अब वो कैसे L प्लस 1 होती है तो देखो ये क्या है 79, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 80 आएगा, क्या 80 का मीनिंग क्या है तो हमें क्या करनी है 80 बाइट्स मूव करनी है, क्या मूव करनी है लेंथ क्या है हमारी लेंथ ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा 80, तो हमें 80 बाइट्स क्या करनी है मूव करनी है 80 बाइट्स मूव करनी है, और हमें पता है कि हमारी मेमोरी की एक लोकेशन कितने की होती है 1 बाइट की, मतलब इस वाली लोकेशन पे हमारी कितनी बाइट है एक ही बाइट है, तो हम 80 बाइट कैसे मूव करें, तो हमें इस लोकेशन से क्या करना है स्टार्ट करना है, इसमें हम कितना ऐड करें 79, क्यों 79 ऐड करें 80 क्यों नहीं ऐड करें 79 क्यों ऐड करें, क्योंकि इस लोकेशन पे हमें क्या मिल गई है हमारी एक बाइट मिल गई है। ओके बची कितनी 79 ऑल बाइट्स बची, तो इसी में मैंने 79 को जब ऐड किया तो मुझे क्या मिला 1111 मिला, तो यहां से लेकर यहां तक मुझे क्या मिल गई 80 बाइट्स मिल गई। अब मुझे उन्हें किस लोकेशन पे मूव करना है इस लोकेशन पर, अब एक लोकेशन तो एक ही बाइट अकोमोडेट कर सकती है, तो इसमें भी मैं अगेन क्या कर दूंगी 79 को ऐड कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलने वाला है 1379, तो यहां से 80 बाइट्स मुझे लेनी है और यहां से लेकर यहां तक मुझे 80 बाइट्स को क्या करना है ट्रांसफर करना है, तो ये क्या हुआ हमारा हमें मूव बाइट्स फ्रॉम ऑपरेंड वन टू ऑपरेंड टू, क्योंकि 80 मूव करनी, क्योंकि लेंथ मुझे क्या दे रखी है ये दे रखी है, इसीलिए मैंने ये चीज यहां पे 79 को क्या किया है प्लस किया है, तो ये क्या है हमारा एसएस फॉर्मेट, और यही अगर आपको दिया हुआ हो हेक्साडेसिमल फॉर्म में तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारा ऑपकोड हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, ये हो जाएगा सेकेंड ऑपरेंड, ये क्या है बेस, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है बेस, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके तो ये क्या हो गया हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स।